मैं हूं राजवंत सिंह वाली, आपका अपने YouTube चैनल प्रॉपर्टी गुरुकुल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और जो आज का इंटरव्यू है वो बहुत खास होने जा रहा है, क्योंकि हम एक ऐसे प्रोजेक्ट के बारे में आपको बताने जा रहे हैं जिसमें लोगों ने बहुत पैसे कमाकर अपने आप को खुशहाल किया है, और आने वाले टाइम में इसका बहुत बढ़िया फ्यूचर है। मेरे साथ विजय सिंगला जी हैं, जो विजय प्रॉपर्टी के नाम पे एरोसिटी में काम कर रहे हैं, बहुत लंबे से समय से काम कर रहे हैं, और इनका बहुत अच्छा रेपुटेशन है, इनके पास कस्टमर बेस बहुत ज़्यादा है। सो आज का जो वीडियो है वो आपके लिए भी स्पेशल है, हमारे लिए भी स्पेशल है, अंत तक बने रहें। और आप नोट पैड कापी पेन आपके पास लेके बैठे ताकि कोई चीज़ आपसे मिस ना हो जाए। तो मैं सबसे पहले विजय जी से ये सवाल करूँगा कि विजय जी, आप एरोट्रोपोलिस जो हमारा गमाडा का प्रोजेक्ट है, इसके बारे में हमें क्यों मतलब लोगों को इन्वेस्ट करवाना चाहते हैं, इसमें क्या ऐसी खास बात है? थैंक यू राजवंत जी। एक्चुअली जो एरोट्रोपोलिस है ये गमाडा का, ग्रेटर मोहाली डेवलपमेंट अथॉरिटी का एक अपना प्रोजेक्ट है। ये प्रोजेक्ट इसलिए इतना सक्सेसफुल और इतना हाई रिटर्न वाला कहा जा सकता है क्योंकि इसके सराउंडिंग जो भी आज से पहले गमाडा ने डेवलपमेंट की है, आज उसका रेट लगभग 80-90 हज़ार रुपये गज के करीब पहुंच चुका है। एक्चुअली आज से मैं पुराने एक हम टाइम के साथ शुरू करें बात को, 2011 में गमाडा ने सबसे पहला अपना प्रोजेक्ट एयरपोर्ट रोड पे PR7 पे एरोसिटी के नाम से लाई थी। 1100 एकड़ में ये प्रोजेक्ट आया था। उस समय जो लॉन्चिंग प्राइस थी वो लगभग 12 हज़ार रुपये गज की थी। तो PR7 एयरपोर्ट रोड होने के कारण इतना अच्छा रिस्पांस मिला कि आज इसका प्रेजेंटली जो रेट है 80-90 हज़ार रुपये गज पहुंच चुका है। बहुत अप्रिसिएशन हो चुकी है। गमाडा ने इतना अच्छा रिस्पांस देखते हुए इसका फेज़ 2 ITCT के नाम से लॉन्च किया। ITCT का जो इन्होंने लॉन्च किया सन 2013 में किया, 20 हज़ार रुपये गज की इन्होंने बेसिक प्राइस के साथ इसको लॉन्च किया। ITCT बसाने का जो बेसिक पर्पज़ था वो ये था कि इसको एक IT हब और एक एजुकेशन हब के तौर पे नॉर्थ का सेकंड टॉप मोस्ट एक हब बनाना था। यहाँ पे एजुकेशन के बाइज से अगर हम बात करें तो MIT यूनिवर्सिटी, प्लाक्षा यूनिवर्सिटी और कई तरह की यूनिवर्सिटियाँ यहाँ पर आ चुकी हैं, प्रेजेंटली वर्किंग है। IT हब की बात करें, इन्फोसिस, HDFC का हेडक्वार्टर, डेल कंपनी और कई ऐसी 100 मल्टीनेशनल कंपनियाँ जिन्होंने प्रोग्रेसिव पंजाब के दौरान यहाँ पर स्पेस लेकर अपने ऑफिस सेटअप किए हुए हैं। यहाँ पे गमाडा ने रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट काटा 20 हज़ार रुपये गज को, लेकिन ड्यू टू दिस IT हब और ये जो IT कंपनी और एजुकेशन हब आने के कारण आज इसका रेट 90-1 लाख रुपए गज के करीब पहुँच चुका है। मैं दर्शकों को बताना चाहता हूँ कि ये तकरीबन 10 हज़ार रुपये स्क्वेयर फिट के हिसाब से रेट बनता है। हाँ जी जी। अब इतना अच्छा रिस्पॉन्स होने के कारण गमाडा ने 1500 एकड़ में एक इसका आप समझ लो कि एक जीरोक्स कॉपी, एक बिल्कुल सेम प्रोजेक्ट लॉन्च किया एरोट्रोपोलिस के नाम से, 1500 एकड़ में आया है। इसकी लेटर ऑफ इंटेंट इशू हो चुकी हैं। लेटर ऑफ इंटेंट का मतलब है कि एलोकेशन गमाडा ने अलॉटमेंट कर चुकी है, एलोकेशन दे चुकी है जो ट्रांसफरेबल है। जो चीज़ हम ITCT में आज 80-90 हज़ार या लोकेशन वाइज 1 लाख रुपये गज तक खरीद रहे हैं, वही प्रॉपर्टी आज हमें एरोट्रोपोलिस में लगभग 50-55 हज़ार रुपये गज में मिल रही है। हाँ दोस्तों, ये कहना चाहते हैं कि हमने एरोसिटी के बजाय एरोट्रोपोलिस में क्यों इन्वेस्टमेंट करना है, क्योंकि बिल्कुल साथ जुड़े प्रोजेक्ट हैं दोनों, और रेट का जो फ़र्क है तकरीबन डबल का फ़र्क है। जब ये एरोट्रोपोलिस डिवेल्प हो जाएगा तो इसका रेट भी लगभग एरोसिटी वाला ही हो जाएगा। इसमें सर जो PR9 रोड है, इस PR9 जो एयरपोर्ट को डायरेक्ट अप्रोच करती है, वन साइड पे ITCT पूरी तरह डेवलप हो चुकी है, लोग रहने लग गए हैं, कंपनीज डेवलप कर चुकी हैं। उसी रोड के ऑपोजिट, जस्ट उसी रोड के दूसरी साइड पे एरोट्रोपोलिस नाम से प्रोजेक्ट डेवलपमेंट शुरू हो चुकी है। गमाडा का ये मानना है कि विद इन 2 or 3 ईयर्स ये इनका पोजेशन हैंड ओवर कर देंगे, और मुझे ये लगता है कि जिस दिन इसका पोजेशन आएगा ITCT और एरोट्रोपोलिस के रेट में डिफरेंस नहीं रहेगा। तो मुझे लगता है कि मैं एक अपने मन से कह के चल सकता हूँ कि 25% पर एनम की हम एक जो ग्रोथ है उसको हम डेफिनेटली मान के चल सकते हैं कि हमें मिलनी ही है। 25,000 रुपये पर स्क्वेयर यार्ड की ग्रोथ जो मिलनी है, 25% की सर, 25% की ग्रोथ आज का जो रेट है उससे 25% की ग्रोथ हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक है। तो 2-3 सालों में आपका पैसा डबल हो सकता है जी,
और हमें ये भी बताएं कि इसके आसपास में और कुछ इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट भी हैं, जैसे बीएससी सेक्टर है और है, इसमें क्या क्या आसपास में प्रोजेक्ट हैं, ताकि हमारे जो व्यूअर्स को ये पता लग सके कि यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करना उनके लिए कितना ज़्यादा सेफ है। राजवन जी, जैसे आपको पता होगा कि चंडीगढ़ एयरपोर्ट को अब कार्गो में तब्दील कर दिया गया है, आप यहाँ पे अब ड्राई पोर्ट्स आ रहे हैं, यहाँ पर आईटी इंडस्ट्री के साथ साथ बहुत बड़ी बड़ी आईटी के हब बन चुके हैं, जैसे गिलको इंडस्ट्रियल, लैंडचेस्टर, और एक बहुत बड़ा पार्ट आईटी को आईटी के लिए बना दिया गया है। इससे क्या हो रहा है कि आने वाले टाइम में यहाँ ग्रोथ होनी ही होनी है। एक सेकंड रीज़न सबसे बड़ा ये है कि जो ये एयरपोर्ट रोड है, इंटरनेशनल एयरपोर्ट रोड है, इसको सेंट्रली एड मिल रही है, सेंट्रली लोकेटेड है, अप्रोच दिल्ली के लिए, अंबाला के लिए, खरड़ के लिए, सभी के लिए एक सेंटर अप्रोच है। चंडीगढ़ वैसे भी एक बहुत प्रेफरेंशियल सिटी माना जाता है। और मुझे लगता है सर, ये चंडीगढ़ के एडजॉइनिंग होने के कारण अगले 50 साल को देख के एक बहुत अच्छे तरीके से डेवलपमेंट की जा रही है। तो दोस्तों, आप देख सकते हो, समझ सकते हो विजय जी की रिकमेंडेशन कितनी स्ट्रांग है, और ये रिकमेंडेशन जो करके बता रहे हैं, ये 25% बता रहे हैं, और जो इन्होंने बताया एरो सिटी का जो रेट है तकरीबन 80-90 हज़ार या 1 लाख रुपए पर स्क्वायर यार्ड के साथ है, जबकि एरोट्रोपोलिस का अभी 40-50 हज़ार 60 हज़ार के आसपास चल रहा है। तो आप देख सकते हो कि जो साथ वाली प्रॉपर्टी है, जब इसने उसके बराबर डेवलप हो जाना है, तो इसका रेट भी सेम हो जाना है। तो 100% इसको टेक इट एज ग्रंटेड कि इसका रेट भी एरो सिटी के बराबर ही जाएगा, इसलिए विजय कुमार इसको रिकमेंड कर रहे हैं, ताकि आपका जो पैसा है अच्छे तरीके से बढ़ सके। और जिस आदमी के लिए पैसा काम करता है, समझदार वही माना जाता है। मैं अपनी किताबों में बार बार कहता हूँ कि आदमी का शरीर दो हिस्सों में बांटा गया है, एक गर्दन के नीचे और गर्दन के ऊपर वाला। गर्दन के ऊपर वाला जो बंदा यूज़ करता है वो आदमी हमेशा तरक्की करता है, गर्दन के नीचे वाला जो हिस्सा है वो सिर्फ 300-400 रुपये दिहाड़ी के हिसाब से काम कर सकता है। सो हमने अपने दिमाग को यूज़ करके, अपने पैसे को काम पे लगा कर, हमने कैसे अपनी ग्रोथ करनी है, इसके बारे में ये हमारे इंटरव्यू का आज का जो मकसद था, और इसीलिए मैंने विजय कुमार जी को आज तकलीफ दी जी, जी, जी। तो ताकि मेरे जो व्यूअर्स हैं, मेरे जो चैनल के सब्सक्राइबर हैं, उनको बहुत ज़्यादा फायदा हो सके। तो विजय जी, आप एंड में अब क्या कहना चाहोगे कि हमें अपने व्यूअर्स को क्या क्या चीज़ें इनके बारे में देखना चाहिए, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं, जैसे आपने बताया लेटर ऑफ इंटेंट है, ये ट्रांसफरेबल है, और इसके बिना क्या क्या डॉक्यूमेंट इसके बन सकते हैं? मैं सर इसको अगर आपको डॉक्यूमेंट्री एक आपको समझाना चाहूँ, पहले तो मैं आपको स्क्रीन पे इसका मैप दिखा रहा हूँ, आप उस मैप पे इसको समझिए ये क्या है। सेकेंडली, गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी होने के कारण आप एटलीस्ट एक टेंशन फ्री है कि आपके साथ कोई धोखाधड़ी नहीं हो सकती। रीजन बींग कि आपने अगर कोई अपनी प्रॉपर्टी का रिकॉर्ड चेक करना है, आप बिना हमें बताए या बिना किसी से पूछे आप गमाडा ऑफिस जाके उस प्रॉपर्टी की वेरिफिकेशन कर सकते हैं। सेकेंडली, ट्रांसफर फी लगा के आप इसको गमाडा से ट्रांसफर करा सकते हैं, आपके नाम ओनरशिप चेंज हो जाएगी जी, और एक सेफ प्रॉपर्टी, मतलब इसकी रजिस्ट्री की जरूरत नहीं है, इसकी रजिस्ट्री की जरूरत नहीं है। तो ज्यादातर व्यूअर्स को यह होगा कि रजिस्ट्री के बिना हमारी जो ओनरशिप है ट्रांसफर नहीं होती, इसमें रजिस्ट्री की जरूरत नहीं, ये ट्रांसफरेबल जी। राजवन जी, ये एक गमाडा ने ट्रांसफर फीस फिक्स की हुई है, हर प्लॉट के अगेंस्ट भी इस अमाउंट लगनी है, आप उसका डीडी बना के गमाडा ऑफिस में जमा कराएंगे। मेन चीज तो टाइटल हमारा चेंज हो जाएगा, बिल्कुल टाइटल ओनरशिप चेंज होती है। तो और देखा दोस्तों, बहुत अच्छी मतलब वो है, और जो रजिस्ट्री का खर्चा है उससे ये ट्रांसफर का खर्चा भी कम है, और आने वाले टाइम में ये प्रोजेक्ट आपको क्या दे सकता है, ये समझो यदि 2 साल में 50,000 वाला रेट 75,000 रुपये गज भी हो गया, तो 200 गज का प्लाट आपको 50 लाख रुपये के आसपास प्रॉफिट देगा। और मैंने बैंक में नौकरी की है, मेरे को पता है 50 लाख रुपये मेरे को रिटायरमेंट में भी नहीं मिला। तो आप देख सकते हो, आपने सिर्फ क्या करना है, मन बनाना है, आपने अपने पैसे को काम पे लगाना है। मनी इज एक्सीलेंट सर्वेंट बट ए बैड मास्टर। मनी को एक्सीलेंट सर्वेंट इसीलिए कहा गया है कि जब आप पैसे को काम पे लगा देते हो तो ये आपके लिए काम करता है। आपके लिए काम क्या करेगा, आपको खुशहाल बनाने में आपकी मदद करेगा, और आपकी जो ग्रोथ है वो पैसे के हिसाब से होगी। असली आदमी वही है जिसके लिए पैसा काम करता है। जो आदमी पैसे के लिए काम करता है वो कभी भी अमीर नहीं हो सकता। ये सारी मेरी वीडियोस में मैंने यही मैसेज देने की कोशिश की है, मैंने अपनी किताबों में भी यही बताने की कोशिश की है कि जिस आदमी के लिए पैसा काम करता है उसी की ग्रोथ होती है।
सो विजय जी, हम अब कंक्लूजन पार्ट पे आते हैं जी. इसको हम मतलब अंतिम चरण में जी. तो आप क्या क्या हमारे व्यूअर्स क्या कौन सा मैसेज देना चाहोगे? व्यूअर्स को मैं यही कहना चाहूँगा सर कि गवर्नमेंट प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट कीजिए, सेफ है, सिक्योर है. और आप चंडीगढ़ के नज़दीक अगर प्रॉपर्टी बनाने का मन बना रहे हैं तो इससे बेस्ट स्पेस नहीं हो सकती. ये एक लेटेस्ट डेवलपमेंट है जो अगले 100 सालों को देख के बनाई जा रही है. सो दोस्तों, आज के लिए इतना ही, और जल्द ही मैं किसी और नई पर्सनैलिटी के साथ आपके साथ रूबरू होऊंगा. और उम्मीद करता हूं कि इस इंटरव्यू में जो लाइफ चेंजिंग बातें विजय जी ने बताई हैं वो आपकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा काम आने वाली हैं. सो बहुत जल्द मिलता हूं मैं. जिन दोस्तों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल सब्सक्राइब करके घंटी वाला बटन दबा लो. और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कर देना. आपका कोई सवाल हो कमेंट बॉक्स में, नए टॉपिक पर कोई वीडियो चाहिए वो भी आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हो. आप अपना ध्यान रखिए, अपने परिवार का ध्यान रखिए, अपने देश को आगे बढ़ाने में अपना योगदान डालिए. सो मिलता हूँ जल्दी एक नए टॉपिक के साथ. थैंक यू वेरी मच.